थपकी थपकी प्यार की। आवाज कहाँ से आ रही है? परिवार में तुम्हारी जगह, ना तुम्हारा ये परिवार और ना ही तुम्हारा कुछ नहीं छीन पाएगा कोई। तुम बस बस अपने ध्रुव पर ध्यान दो और थपकी और विहान को मुझ पर छोड़ दो। मैं उनके साथ ऐसा कुछ करूंगी ना जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ये बयान कहाँ से ला गया? कल रात तो बोल के सोया था कि इतने दिनों बाद अपने कमरे में सो रहा हूँ, 12 बजे से पहले नहीं उठूंगा। अगर 12 बजे तक सोते रहते तुम्हारे लिए ये कैसे लेके आते? ये क्या है? खोल के देखोगी तभी तो पता चलेगा। हाई हील्स वाले सैंडल्स, पर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? देखो तबकी, हम जानते हैं हमारा रिश्ता लड़ाई झगड़े वाला है और हमें एक दूसरे को सिर्फ मच्छर मार अगरबत्ती और कागज की बंदूक ही देनी चाहिए, लेकिन तो फिर क्यों दे रहे हो मुझे? तबेले में बिताए हुए दिन की यादों के लिए। ये सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे हाई हील्स वाले सैंडल्स बहुत पसंद है? अरे वाह, ज
जिस लड़की के पास इतनी सारी ऊंची एड़ी की सैंडल हो उसका मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। देखो हमारी मोटी बुद्धि जरूर है लेकिन कम नहीं है। अब जब तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया तो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। मतलब रिटर्न गिफ्ट। एक मिनट रुको। गुलेल, पर तुम्हें कैसे पता कि हमें गुलेल बहुत पसंद है? बाबूजी, उन्होंने बताया था कि बचपन से ही तुम्हें गुलेल का बहुत शौक है। जो दूसरों की जान बचाए वो नाथ हो सकता है अनाथ नहीं। हम तुम्हें अपना नाम देंगे, बिहार। शौक तो बहुत है लेकिन अब मैडम इतने दिनों बाद हाथ में आई है तो देख लेते हैं इसके चार लाल ठीक है या नहीं। मेरे दिए हुए गिफ्ट से मुझे ही मारोगे अब तुम? अरे हम क्यों मारेंगे, वो तो गलती से निकल गया और वैसे भी हम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। अरे भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम है? नहीं वो दादी माँ, हम तो बस ऐसे ही, हम दोनों तो बस बात 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 कर रहे थे। हाँ और बाबूजी दादी माँ आप दोनों यहाँ, कोई जरूरी काम था तो हमें बोल देते, हम वहाँ आ जाते। अरे बेटा काम ही ऐसा था कि हमें ही आना था। आपकी बिटिया, तुम दोनों को हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। बाबूजी ये क्या है? बेटा यहाँ नोएडा में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बल्लू ने वहाँ पर तुम्हारे लिए ना एक टेबल बुक की है, ये उसी का कार्ड है। तुम दोनों वहीं जाकर के आज रात का खाना खाना। लेकिन बाबूजी इसकी क्या जरूरत थी? हाँ बाबूजी आज इतने दिनों बाद सब लोग साथ में हैं, क्यों ना हम नीचे साथ में डिनर करें? नहीं नहीं अब हम लोग सब साथ में तो रहेंगे लेकिन रात को यहाँ तुम लोगों को जरूर जाना है। बाबूजी लेकिन मैं ये, अरे बेटा ये समझो कि तुम दोनों जाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। दादी माँ बस आधे घंटे में पूरा खाना रेडी हो जाएगा, फिर मैं परोस देती हूँ सबको। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना। तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, वो भी पूरे 3 हफ्ते। क्यों दादी माँ, थक्के से फिर से कोई गलती हो गई? अरे गलती तो हमसे हुई है, जिसकी सजा बिहान और थपकी ने तबेले में रहकर भुगती है वो भी पूरे 3 हफ्ते। इसलिए अगले 3 हफ्ते मेरी थपकी कोई काम नहीं करेगी। पर दादी माँ ये काम तो मैंने कहा ना तुम नहीं करोगी, चलो जाओ तैयार हो जाओ। अरे तुमने बिहान के साथ जाना है ना खाने पर? दादी माँ पर मैं ये एक बार काम खत्म करके। श्रद्धा करेगी ना? अरे वो भी तो इस घर की बहू है, तुम्हारे हिस्से का सारा काम श्रद्धा करेगी। मैं दादी माँ किचन का? कोई परेशानी है क्या? नहीं दादी माँ कोई परेशानी नहीं है। चलो तुम पूरी बनाओ। जी श्रद्धा, आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ये सब। प्लीज अपनी मदर इंडिया के इमोशंस किसी और को जाके दिखो, मुझे मत दिखना। और ये मत समझना कि मैं पूरियां नहीं तल सकती, इनफैक्ट मुझे तुमसे अच्छा खाना बनाना आता है और ये पूरियां भी मैं तुमसे अच्छी बना के दिखाऊंगी, समझी? Can you please leave now?
गॉड, सत्यानाश उस बुढ़िया का, इतनी सारी पूड़िया कोई बनवाता है? और वो इज्जत थपकी बता नहीं सकती थी कि तेल इतना गर्म है, मेरा हाथ जलते जलते रह गया। इनके चक्कर में कहीं ध्रुव, ध्रुव लो गया ध्रुव। अब हाँ अंदर है, बाथरूम में नहा रहा है, इसका मतलब मैं अभी कुछ तो कर सकती हूँ। क्या करूँ क्या करूँ, कुछ स्पीच। ये तो वही स्पीच है जो ध्रुव अपने टीवी शो पे लाइव बोलने वाला है, और मैंने उससे फोन पे बात करते हुए सुना था कि ये स्पीच उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस स्पीच के साथ ही कुछ कर दूं तो ऐसा करूंगी तो ध्रुव की हेल्प भी हो जाएगी और वो मुझसे इंप्रेस भी हो जाएगा, और फिर वो मुझे अपने दिल में जगह देकर ही रहे। यस, चल श्रद्धा, अपना खुराफाती दिमाग चला और शुरू हो जा। पहले इसे अच्छे से पढ़ लेती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री सॉरी ध्रुव, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है? जी, सच बताएं तो कल हमें फिर से एहसास हुआ कि आपका बयान पांडे आपके बिना कुछ भी नहीं। और माँ, बयान बाबूजी ने तो तुम्हें गले से लगा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि माँ अब भी तुमसे नाराज है। माँ ज्यादा दिन तक हमसे नाराज रह नहीं सकती। हम जानते हैं माँ हमसे बहुत प्यार करती, हमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है ना तो माँ से बर्दाश्त नहीं होती। पता है एक बार बचपन में हमें बहुत तगड़ी वाली बीमारी हो गई थी, हमारे शरीर में खून ही नहीं बनता था, उस खून की कमी में माँ ने हमें अपना खून देके हमारी जान बचाई। अगर क्या हुआ इन्होंने हमें जन्म नहीं दिया तो, पर ऊपर वाले ने तो हम दोनों माँ बेटों की रगों में एक सा ही खून दिया है, इसलिए इस रिश्ते को कोई तोड़ ही नहीं सकता। तुम जानते हो माँ और बेटे का तो रिश्ता ऐसा होता है कि भगवान भी चाहेगा तो नहीं तोड़ सकता, फिर और कोई क्या तोड़ेगा? वही तो, देखना हमारी माँ हमें बहुत जल्दी अपने गले लगाई, और हमें नहीं तुम्हें भी, माँ तुम्हें भी बहुत जल्दी अपने गले से लगाई। अब चलो जल्दी बाहर चलना है, तैयार नहीं होना तुम्हें। दो दम कर ली। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अपना पहला दौरा जम्मू कश्मीर का किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर कटरा के लिए रेलगाड़ी का प्रबंध उद्घाटन भी किया। हाँ अरे ओ श्रद्धा, तुम यहाँ खड़ी होके क्या कर रही हो? हाँ तुम्हें तो किचन में होना चाहिए ना,
कितना काम पड़ा है वहाँ पे अभी। हाँ भाभी, मुझे पता है कि बहुत सारा काम है और मुझे ही करना है, लेकिन इस वक्त फिलहाल मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। ओके, क्या था क्या था क्या था? हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्यूज मी श्रद्धा, हम दोनों भी यहाँ पे वॉक करने नहीं आए। दादी माँ ने बोला है कि अगले 3 हफ्तों तक जो जो काम थपकी करती थी ना, उसके हिस्से का सारा काम तुम करोगी। और ये रही कामों की लिस्ट। हाँ भाभी, मैं सब कर लूंगी। ओके, भारत के प्रधानमंत्री श्री, अरे सुन तो लो कि करना का है तब तो काम करोगी। देखो, सोमवार को ना सबके लिए 2 किलो आलू की सब्जी बनती है, साथ में 1/2 किलो दाल और सबके लिए चपाती। हाँ भाभी, मैं सब कर लूंगी। ओके, भारत के प्रधानमंत्री। और हाँ, राशन भी तो लेके आना है, और राशन में ना 10 किलो दाल, 15 किलो चावल और 20 किलो आटा, और साथ में ना 1-1 किलो गरम मसाला, सारे मसाले। अंडरस्टैंड? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, अरे सुनो तो सही, वो भी तो लाना है, जीरा, अमचूर पाउडर, नमक, ये सब भी ले आना, ठीक है? भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धा, ये सारे काम ना प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, ये सारे काम तुम्हें करने, तुम्हें अंडरस्टैंड? अरे पता है मुझे करने हैं, बार बार एक ही बातें क्यों बोली जा रही है आप दोनों? काहे काहे, ये है ना लिस्ट, कर लूंगी मैं सारे काम। ओके, हर बार मेरा कोई ना कोई काम बिगाड़ देती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, तुम समझते क्या हो बिहान अपने आप को? मैं तुम्हारा हर बात पे साथ देती हूँ, हर बात पे समझती हूँ तुम्हें, लेकिन तुम हर बात पे मेरा मजाक बनाते रहते हो। यानी किस मिट्टी के बने हो तुम? चिकनी मिट्टी के बने हम, क्योंकि तुम जो भी बात बोलती हो ना, हमारे ऊपर से फिसल के चली जाती है। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हमारे, अभी तक तो अच्छी खासी गाड़ी थी, फिर एकदम से भड़कने क्यों लग गई? ज्यादा भोले मत बनो अब तुम। ये क्या है? क्या है? कपड़े, हमारे टी शर्ट है। वो मुझे भी पता है कि तुम्हारे कपड़े और ये टी शर्ट है, पर आज के दिन ये तुमने क्यों पहनी है? अरे मन किया हमारा फेवरेट कलर, आज इतने दिनों बाद घर से बाहर जा रहे तो हमने सोचा ही पहन। तुम्हें कौन सी तकलीफ है चुक-चुक गाड़ी? यही तकलीफ है मुझे चुक-चुक गाड़ी, जो तुम अपने मुंह से बोलते हो ना, वही तुम पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहते हो, इसीलिए आज तुमने ये चुक-चुक गाड़ी वाली टी शर्ट पहनी है। तेरी हमारी टी शर्ट तो सच में चुक-चुक गाड़ी पहनी है। अब ऐसे आगे क्या दिखा रही हो? चेंज करते हैं, कर रहे हैं, बदल रहे हैं। एक मिनट, हेलो। हाँ सर, आई एम कॉलिंग फॉर इंडियन बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी, वी वांट टू ऑफर योर गोल्ड क्रेडिट कार्ड। ओ, अंग्रेजी स्पीकिंग। नो गोल्ड, नो सिल्वर, आई ओनली डायमंड, पांडे निवासन। एक्सक्यूज मी सर, से अगेन प्लीज। अरे हमने कहा ना, आई ओनली डायमंड सन, ऑलरेडी हैव पहले से एक प्लेट वाला कार्ड। हेलो, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू से दैट ही डजंट नीड अ गोल्ड क्रेडिट कार्ड बिकॉज़ ही ऑलरेडी हैज अ प्लैटिनम कार्ड। थैंक यू सो मच। अच्छा बदला लिया तुमने। बदला? हमने ये चुक-चुक गाड़ी वाली टी-शर्ट क्या पहनी और तुमने हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा। इसको हेल्प नहीं बोलते, हेल्प तो तब होती जब तुम हमसे अंग्रेजी बुलवाती। नहीं, लेकिन तुम खुद आई, हम इतनी अच्छी अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तुम आके अपनी अंग्रेजी जाने लग गई। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना तो ठीक है बयान, खुश। तुम तो बड़ी खुश हो ना हमारी इंसल्ट करवा के। अब देखना हम भी सारा दिन ये वाली टी शर्ट पहन के घूमेंगे, इस चुक-चुक गाड़ी वाली टी शर्ट को बदलेंगे नहीं। अगर तुम सारा दिन यही टी शर्ट पहनोगे ना तो मैं भी तुमसे अब से अंग्रेजी में ही बात करूंगी। ठीक है, फाइन, वेरी फाइन, धन्यवाद। ये लो पैसे। इतने पैसे? इससे दुगना और दूंगी अगर मेरा काम सही से हुआ तो। फिर तो समझिए मैडम, आपका काम हो गया। जाओ अपना काम करो। जी। अब बस बहुत हो गया, बहुत चाले चलनी हमने भी और तुमने भी थपकी और बिहान। अब बस, अब ये चूहे बिल्ली का खेल
यही खत्म। एक आखिरी बार, उसके बाद तुम दोनों अलग हमेशा के लिए।